जय श्री राधे, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा जो कि आपके शुक्र के क्षेत्र से चल के आपके जीवन रेखा, आपकी भाग्य रेखा को पार करते हुए चंद्र के ऊपरी शिखर में जाके विलीन हो जाती है। इस रेखा का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। ये रेखा जब भी आपकी हथेली में उपस्थित होती है, ये आपके सौभाग्य का उदय करती है, आपका भाग्योदय करती है और आपके जीवन से तकलीफों को, मुसीबतों को, समस्याओं को दूर करके आपके जीवन को बिल्कुल सहज और सरल बना देती है। ऐसी स्थिति में चतुर्विध पुरुषार्थ जो है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबकी प्राप्ति यहाँ पर जातक के लिए आसान होती चली जाती है। यहाँ पर ये आपके बाहुबल को, बुद्धि बल को बढ़ाने का काम करते हैं, आपके सामर्थ्य को बढ़ाने का काम करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं, यानी कि उत्पादकता को बढ़ाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर आपके काम आनी शुरू हो जाती है, मौकों का सही लाभ आप उठा पाते हैं और ये आपको आपके व्यक्तित्व को इतना सुदृढ़ कर देता है कि व्यक्ति एक छोटे से क्षेत्र से निकल के बड़े क्षेत्र में अपने आप को समाहित कर पाने में सक्षम हो जाता है और अपना फैलाव कर पाता है। यहाँ की स्थिति आपको आर्थिक तौर पर बहुत ही बड़े मौके देती है और जीवन में व्यस्तता को बढ़ा के आपके जीवन में आनंद का प्रवेश कराने का काम करती है, क्योंकि जैसे ही ये रेखा जीवन रेखा को पार करती है, जीवन रेखा को यहाँ पर बल मिलता है, साथ ही भाग्य रेखा की शक्ति भी यहाँ पर जातक को उसी प्रकार से प्राप्त होती है और भाग्य रेखा भी दोगुनी गति से आगे की तरफ बढ़ रही होती है। भाग्य रेखा की जो समस्याएं कुछ होंगी उसे भी ये सोख लेने का काम करता है और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस रेखा के सहारे ही यहाँ पर एक त्रिभुज की अस्पष्ट स्थिति बन पड़ी है जो कि इस रेखा को और भी ज़्यादा बल देने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति अपने देश से, अपने क्षेत्र से निकल के बाहर के क्षेत्रों में, प्रदेश में, विदेशों में जाके अपना नाम रोशन करने वाले होते हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्षेत्र की तरफ चल जाए, हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड क्षेत्रों में अगर इनकी स्थिति को देखा जाए, एज ए फ्रीलांसर इनकी स्थिति को देखा जाए, ये अपने आप को साबित कर पाने में सक्षम होते हैं और जीवन में बड़ी चुनौतियों, बड़ी बाधाओं को पार करके बड़ा उच्च स्थान ये अपने जीवन में प्राप्त निश्चित तौर पर कर लेते हैं। अगर आपकी हथेली में भी ऐसी स्थिति है तो आपको बिना रुके थके अपने आप पर भरोसा करते हुए, अपने टैलेंट पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि रातों रात अगर आपने अपनी किस्मत पलटनी है तो निश्चित तौर पे दिनों दिन मेहनत उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। दिनों दिन जैसे ही मेहनत आपकी बढ़ेगी, ये जो किस्मत है आपको उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करेगी ताकि एक सुबह ऐसी भी आए जब आप फ्रंट पेज पे हो गई पॉजिटिवली। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।